हेलो। हाँ सर, आज मैं आपको एक डेमो और मशीन की इंस्टॉलेशन करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे इंस्टॉलेशन। 3450 की सबसे पहले ये टैंक आप जब बॉक्स को ओपन करेंगे तो ये टैंक अलग होगा, ठीक है सर। पहले आप उसको टैंक को इसको कवर करेंगे या फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद में ये सर डर्टी टैंक है, इसमें क्या है, इसमें एक जाली होती है। जाली को कैसे फिट करेंगे, यहाँ पे एक कटिंग है, कटिंग को दिखाओ। एक दो तीन ऐसी इधर है, तो इसको जाली को जब फिटिंग करेंगे तो ये कटिंग में बीच में बैठा बैठाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में ये है इसका सक्शन होज, इसको सक्शन होज बोलते हैं। इसमें ये दो इसमें लॉक है, लॉक लगाने के बाद में इसको यूं हो गया लॉक। उसके बाद में ये है टॉम का हॉज पाइप, पहले इसको दोबारा से दिखाओ। ये इसमें ऐसे यूं लग जाएगा, ठीक है सर। लगाने के बाद में यह है स्पीजी, जिससे पानी सक होगा। इसको यहां से खोलेंगे, इसको यहां से खोलेंगे और इसको यूं इसमें फंसाएंगे। आप उंगली से बोले बताएं किसमें फंसाना है। ये फंस गया और इसको टाइट कर देंगे। ये है इसका लीवर, जिसको स्क्रूजी अप डाउन करेंगे। इसके बाद में ये जो हॉज पाइप लगाया था इसका कनेक्ट इससे कर देंगे। ठीक है सर। इसके बाद में ये इसका टैंक का कवर है और ये यहाँ पर इनके छेद हैं जिसमें ये पिन अंदर हो जाएगी। इसको यूं करके ऊपर नीचे, ठीक है सर। दूसरी चीज ये है, इसमें एक लीड होती है टैंक की, ये इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है सर। अब ये जो डर्टी टैंक है इसको भर जाने के बाद में लक्ष्मी काट दिया मैंने, पड़ेगा फिर तो। चल ठीक है, ये टैंक भर जाने के बाद में इसमें ऑटोमेटिक अलार्म की आवाज़ आ जाएगी, ठीक है। ये जो सॉकेट लगाया है ना, इससे ऑन करके दिखा दे, ऑन करके दिखा दे, पर लाइट ना। अच्छा ठीक है। दूसरी चीज ये है, अब इधर आ, ये है इसमें दो स्विच, जिसमें एक तो
पानी का है जो ब्रश पर पानी जाएगा, इसमें पानी आएगा, पानी यहाँ से डलेगा। और दूसरा है ये वैक्यूम का, जो कि ये पानी को सक करेगा। वैक्यूम जब चलेगा तो यहाँ से पानी पूरा सक करेगा। चलाते वक्त इसको ऑन करते हैं और इसको कैसे करते हैं ऊपर नीचे बता दो। अब आ जाओ इस पे हैंडल लीवर, ये हैंडल है, इसको आप जितना हाइट एडजस्ट करना चाहते हो उससे आप कर सकते हो। इसका ये लीवर है, इसके बिना भी करोगे नहीं कर पाओगे इसके। इसके बाद में सर जब मशीन को आप ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद में सबसे पहले ये है ट्रिगर। अच्छा, ट्रिगर अगर ऐसे दबाएंगे तो नहीं दबेगा, प्रेस नहीं होगा। इसमें ये लॉक लगा हुआ है, ट्रिगर का लॉक। इसको जब तक प्रेस करेंगे उसी के बाद में ये ट्रिगर अंदर होगा। अब होगी मशीन ऑन, ठीक है। मशीन ऑन होने के बाद में आप इसको यहाँ पर ब्रश लगा लीजिए, लगा कर ब्रश को लगा। आप यहाँ पर दो ब्रश को लगाएंगे, ये ब्रश लग गया। लगाने के बाद में ये होता है लॉक, इसमें ये लगा हुआ है लॉक। जब तक इसको लॉक को आप खोलेंगे नहीं तब तक ये ब्रश नीचे नहीं जाएगा। अब ये ब्रश नीचे पड़ गया। इसके बाद में आप इसमें दो बाल्टी पानी डालेंगे और जो भी केमिकल आपके पास है वो केमिकल डालेंगे। तो केमिकल डालने के बाद में पानी यान नोजल से इसको ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद में ये जो ऑन ऑफ वाला बताया था पानी वाटर वाला, इसको ऑन करेंगे और इसको प्रेस करने के बाद मशीन आपकी ऑन हो जाएगी, मशीन चलने लगेगी। इसके बाद में जब तक आप वैक्यूम नहीं चलाएंगे तब तक ये पानी नहीं उठाएगा। आप वैक्यूम को जब यहाँ से ऑन करेंगे तो यहाँ से पानी आपको सक होने लगेगा, ठीक है सर। हेलो, हाँ सर, मैं आपको ये मशीन चलाने का तरीका बताता हूँ कैसे ऑपरेट करेंगे इस मशीन को। यहाँ से पहले पानी डालेंगे, ये कैप है, इसको कैप लगा देंगे। कैप लगाने के बाद में इसका ब्रश डाउन हो रखा है पहले ही से, पानी छोड़ने इस बटन को ऑन कर देंगे पीछे से होने। देखो यहाँ से सर पानी निकलेगा, ठीक है। हम इसमें ब्रश लगाएंगे और इसको डाउन करेंगे। पानी यहाँ से ऑन कर लिया है, ठीक है। इसके बाद में अब हम मशीन को करेंगे ऑपरेट। ये जो लॉक है इसको प्रेस करेंगे, इसके बाद में ये ट्रिगर दबाएंगे, ऑन हो जाएगी मशीन। सक्षम करने का बता दे, पानी उठाने का बता दे।
आप डालें पानी, कैसे ऑन किया बता, बंद कर रहे मैंने को ऑन कर दिया है, अब यहाँ से ये पानी उठाएगा वाइपर, इससे ऑन करने से पानी बंद कर दे। वो तो गया, नहीं स्टॉप हो गया, ये सारा पानी सूख गया है, ये सारा पानी सक कर लिया है। अब हम दिखाएंगे इसमें पानी, जो गंदा पानी है वो हम कैसे निकालेंगे। इसका ये यहाँ पर वो लगा हुआ है, इसको खोलेंगे। ओए ओए, और ये गंदा पानी निकल जाएगा इससे। वो साफ पानी भी, और ये वाला है, ये नीचे वाला टैंक का, इसमें जो साफ पानी होता है अगर आप इसको निकालना चाहते हो तो ये भी इसी से निकल जाएगा। ये गंदा पानी निकल जाएगा।